खबर पौड़ी जिले से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जनपद पौड़ी को पर्यटक नगरी के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। वहीं इसमें लक्ष्मण मंदिर, सीता माता मंदिर व आसपास के धरोहरों को सीता माता सर्किट के रूप में विकसित करने की बात हुई थी, लेकिन 3 साल के बाद भी किसी ने इस बात की सुध नहीं ली, जिसको लेकर ग्रामीणों ने कहा कि बहुत लंबे समय बाद सड़क का निर्माण करवाया जा रहा है, मगर निर्माण की गुणवत्ता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि संबंधित ठेकेदार मानकों को ताक पर रखते हुए सड़क निर्माण करवाए जा रहा था। इसकी शिकायत लोक निर्माण विभाग में की गई, जिसके बाद लोक निर्माण विभाग के उच्च अधिकारी ने निरीक्षण कर संबंधित ठेकेदारों को कार्य को रोकने व फिर से मानकों के अनुरूप कार्य करने के लिए निर्देशित किया। वहीं लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता डीपी नौटियाल ने बताया कि वाकई सड़क निर्माण की गुणवत्ता निरीक्षण के दौरान उन्हें सही नहीं पाई गई, जिसके बाद उनके द्वारा संबंधित ठेकेदारों को कार्य रोकने व दोबारा से गुणवत्ता पूर्वक कार्य करने के लिए निर्देशित किया गया है। पौड़ी से मुकेश बछेती की रिपोर्ट। दोबारा ये लोग अब इस पर सोलिंग कर रहे हैं। सोलिंग भी एक नामात्र की सोलिंग है, उसको वैसे ही फैलाया जा रहा है, जबकि सोलिंग का ये होता है कि फर्स्ट ग्रेड होता है, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड, तीन। इन्होंने दूसरी सोलिंग को ढंग से नहीं कर रखी है, पत्थर वैसे ही फैला रखे हैं, नीचे वाली वैसी है, और इन्होंने पेंटिंग शुरू कर दी है ना। कार्य जिला योजना वर्ष 2018-19 का स्वीकृत है, इसमें तत्कालीन वित्तीय वर्ष में और उसके बाद के आवर्ती वित्तीय वर्षों में भी कोई धनराशि उपलब्ध नहीं हुई, तो ठेकेदार द्वारा उसमें शिथिल प्रगति के कारण उसको नोटिस दिए थे तत्कालीन अधिकारियों के द्वारा, तो उसमें कुछ WBM का कार्य उसने कर दिया है, अभी तक पूरा नहीं किया है। तो पहले हम उस WBM का कार्य को पूर्ण करने के निर्देश उनको दिए हैं, उसके बाद ही हम डामरीकरण के कार्य को आगे बढ़ाएंगे।